हम तो बहुत डरे हुए थे कि कुछ दिन पहले ये राहुल गांधी से बहुत प्रभावित थे, तो मुझे डर था कि कहीं उस रास्ते पे निकल गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा बिहार का। तो हमको तो बड़ी खुशी है, हम वर वधू दोनों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से खूब शुभकामना दे रहे हैं। अब मुझे पूरा यकीन है जब नई दुल्हन इस बिहार की धरती पर आ गई है तो अब दूल्हे राजा भी बिहार में ही रहेंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, सत्र खत्म होते वो दिल्ली चले जाते थे। अरे प्रोत्साहन राशि तो हमारी सरकार देती है, अंतर जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि देती है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि कल देर रात बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी करने के बाद पहली बार पटना की धरती पर पहुंचे और उसके बाद अब उनको बधाइयों जो बधाई है वो देने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जो मंत्री हो या विधायक हो या विपक्ष के जो उनके विधायक हैं, तमाम लोग उनको बधाई दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आज बिहार सरकार के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, बीजेपी कोटे से आते हैं, उन्होंने भी तेजस्वी यादव को बधाई तो दी लेकिन साथ ही साथ तंज भी कस दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी सत्र चलता था तो तेजस्वी यादव सत्र खत्म होते ही दिल्ली चले जाते थे। आखिरकार क्यों दिल्ली चले जाते थे ये आज तक हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जब अब नई दुल्हन आ गई है तो उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव अब पटना में रहेंगे, क्योंकि जब भी जिस तरीके से और भी मंत्री लोग की बात करें तो लगातार लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव सत्र खत्म होता था या कोई विपरीत स्थिति होती थी तो उस वक्त भी तेजस्वी यादव दिल्ली में रहते थे, इस तरह की बात सत्ता पक्ष लगातार कहते आ रहा था। तो आज जीवेश मिश्रा ने भी कहा कि आज समझ में आया है कि आखिरकार वो दिल्ली क्यों चले जाते थे, लेकिन अब नई दुल्हन आ गई है पटना तो हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव अब यहाँ रहेंगे। सुनवाते हैं आपको जीवेश मिश्रा का बयान जो उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर दिया। उनको शुभकामना दे ही रहे, हम तो पहले ही शुभकामना दिए थे। हमको तो बड़ी प्रसन्नता हुई जिस दिन सुनाई दिया। पहले तो गुपचुप रूप से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला कि कल तेजस्वी यादव जी की सगाई होने वाली है, शादी की खबर नहीं आई थी। तो हमने तो खूब शुभकामना दिया। हम तो बहुत डरे हुए थे कि कुछ दिन पहले ये राहुल गांधी से बहुत प्रभावित थे, तो मुझे डर था कि कहीं उस रास्ते पे निकल गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा बिहार का। तो हमको तो बड़ी खुशी है, हम वर वधू दोनों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से खूब शुभकामना दे रहे हैं, खूब बधाई दे रहे हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन खूब बढ़िया हो, खूब मंगलकारी हो। और हमको ये भी हर्ष के साथ आपको बता रहा हूँ कि मुझे और एक बात की खुशी है कि अब मुझे पूरा यकीन है जब नई दुल्हन इस बिहार की धरती पर आ गई हैं तो अब दूल्हे राजा भी बिहार में ही रहेंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, सत्र खत्म होते वो दिल्ली चले जाते थे। और हम लोग तो अब उम्र हुई 40 पार कर गए तो इतनी समझ नहीं होती थी कि आखिर जा क्यों रहे हैं, तो मामला तो कुछ और निकला। तो हम उनको शुभकामना दे रहे हैं कि बिहार में ही रहें, बिहार की जनता की सेवा करें। बड़ी प्रसन्नता है और बहुत शुभकामना मैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से देना चाहता हूँ। सरकार की तरफ से अंतरजातीय शादी करने का उनको दिलवाएंगे ना, जो योजना के तहत जो प्रोत्साहन? अरे प्रोत्साहन राशि तो हमारी सरकार देती है, अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि देती है। अगर इसका डिमांड आएगा तो जरूर सरकार इस पर विचार करेगी, क्योंकि हम लोग तो संभाव के साथ राजनीति करते हैं। डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग सरकार का नेता। अब ये तो क्या है कि ये तो डिमांड अगर उनका आएगा, किसी भी व्यक्ति का डिमांड आएगा तो सरकार तो वचनबद्ध है, इस पर सरकार प्रोत्साहन राशि देती ही है।